अपने विरोधी को दमदार मुक्कों से हैरान कर देने वाले मोहम्मद अली एक ऐसे मुक्केबाज हैं जिनका हर मुकाबला लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था और फेमस भी। लेकिन सफलता हासिल करने के लिए मोहम्मद ने जी तोड़ मेहनत भी की है। आज हम आपको उनकी सफलता से जुड़े रहस्य के बारे में बताते हैं। 17 जनवरी 1942 को लुइसविले केंटकी संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे मोहम्मद अली की मुक्केबाजी चैंपियन बनने की कहानी बहुत ही रोचक है। जब वो 12 साल के थे तो वो और उनका दोस्त लुइसविले होम शो देखने के लिए कोलंबिया सिनेमा गए। जब फिल्म देखकर बाहर आए तो देखा कि साइकिल गायब है। वो तुरंत ही शिकायत करने पुलिस स्टेशन पहुंचे और गुस्से में कहा कि वो उस व्यक्ति की धुनाई करना चाहते हैं जिसने उनकी साइकिल चुराई है। उस वक्त पुलिस अधिकारी जो मार्टिन थे, कोलंबिया जिम बॉक्सिंग कोच भी थे और एक छोटे से बच्चे की ये बात सुनकर वो आश्चर्य में पड़ गए और आत्मविश्वास देखकर खुश भी हुए और बच्चे को जिम में ट्रेनिंग का मौका दिया। ये मौका पाकर अली बहुत खुश हुए और जी तोड़ मेहनत करने लगे। उनका ये जुनून जल्द ही जिद बन गया और अपने समर्पण और अनुशासन के जरिए वो ये साबित करने में सफल हुए कि वो कुछ बड़ा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। कोच मार्टिन ये जान चुके थे और जल्द ही अली की बॉक्सिंग प्रैक्टिस शुरू हुई। मोहम्मद की बॉक्सिंग हमेशा दूसरों से जुदा रही। वो कभी भी अपने चेहरे को कवर करने के लिए फेस मास्क नहीं पहनते थे और अपनी मेहनत से जल्द ही उन्होंने कई दिग्गजों को हराते हुए दो राष्ट्रीय ग्लव्स खिताब जीते, एमेच्योर एथलेटिक यूनियन नेशनल टाइटल जीता और 1960 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में लाइट हेवीवेट गोल्ड मेडल जीता। अली के नाम सबसे कम उम्र में वर्ल्ड हेवीवेट खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी है। ये खिताब उन्होंने 25 फरवरी 1964 में हासिल किया था। इसके तुरंत बाद ही अली का बुरा वक्त जैसे शुरू हो गया। 1967 को उन्होंने धार्मिक विश्वासों और वियतनाम युद्ध में अमेरिका भागीदारी के विरोध का हवाला देते हुए वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना की सेवा करने से इनकार कर दिया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और उनकी गिरफ्तारी के साथ ही मुक्केबाजी का खिताब छीन लिया गया। उनके हेवीवेट और मुक्केबाजी के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, जिसकी वजह से वो अमेरिका के किसी भी राज्य में बॉक्सिंग नहीं लड़ सकते थे। उनकी गिरफ्तारी के आदेश भी दिए गए और युद्ध का विरोध करने पर अली उस वक्त युवाओं के आइकन के रूप में भी नजर आए। इन सारी चीजों से बाहर जाने में उन्हें थोड़ा वक्त लगा और उन्हें रिंग में वापसी करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। हालांकि रिंग में वापसी निराशाजनक रही क्योंकि वो अपना स्टैमिना खो चुके थे, जिसकी वजह से कई मैचों में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। उनके प्रशंसक भी इस बात को लेकर काफी निराश दिखाई दिए। अली ने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि उनका लक्ष्य था अपने सभी खिताब वापस पाना। इस वक्त में अली ने कई धमाकेदार मैच खेले और प्रतिद्वंदियों को धूल चटाई। उस वक्त के कई मैच आज भी फेमस हैं। मोहम्मद अली ने कई जीत हासिल की और एक बार फिर वो हैवीवेट चैंपियन बनने से बस एक कदम दूर थे। अली के मुक्कों के आगे कई बॉक्सर फेल हो चुके थे और अब बारी थी जॉर्ज फोरमैन की। इस मुकाबले को रंबल इन द जंगल का नाम दिया गया। इस मुकाबले में अली ने अपनी ताकत और विश्वास पर भरोसा करते हुए 8वें राउंड में ही मैच को जीत लिया और अपने खोए हुए खिताब वापस पा लिए। अली शारीरिक रूप से मजबूत होने के साथ ही दिमागी तौर पर भी काफी स्ट्रांग थे। उनका कहना था कि अगर तुम मुझे हराने की सोच रहे हो तो बेहतर होगा उठकर माफी मांग लो। अली एक और बात कहते थे, मैं महान हूँ। लेकिन उन्होंने सिर्फ इन बातों को कहा नहीं बल्कि सच करके भी दिखाया और जीतोड़ मेहनत कर अपने हर खेले गए मुकाबले को जीत तक पहुंचाया। कई शानदार और यादगार मैच खेलने के बाद 1981 में 39 साल की उम्र में अली ने बॉक्सिंग से संन्यास ले लिया और अपने फैंस के दिलों में कई यादें छोड़ दी। कुछ वर्षों बाद मोहम्मद अली पार्किंसन नामक बीमारी से ग्रसित हो गए, जिसके चलते उनकी शारीरिक स्थिति बिगड़ने लगी। 3 जून 2016 को फिनिक्स एरिजोना के अस्पताल में अली जिंदगी से रही अपनी आखिरी लड़ाई हार गए। अली ने अपनी मेहनत के बल पर अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करवाया। उनकी कहानी हमें ये सीख देती है कि जीवन के उतार चढ़ाव से हार जाना सही नहीं बल्कि उनसे लड़कर आगे बढ़ना ही जीत है।